सलीमा इम्तियाज़ ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अम्पायर्स में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। पाकिस्तानी अम्पायर सलीमा इम्तियाज़ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अम्पायर्स के लिए नामजद कर दिया गया, जिसके बाद वो खवातीन के दो तरफा बैन अल्कवामी मैचों और ICC के वेमेंस इवेंट्स में अम्पायरिंग कर सकेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सलीमा इम्तियाज़ पाकिस्तान वेमन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ की वालदा है। सलीमा इम्तियाज़ जनूबी अफ्रीका वेमेंस के खिलाफ सीरीज में अम्पायरिंग करेंगी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सलीमा इम्तियाज ने कहा कि ये इनके लिए और पूरी कौम के लिए खुशी का मौका है। 52 साल सलीमा इम्तियाज ने अपने एम्पायरिंग करियर का आगाज 2008 में PCB वेमेंस एम्पायर्स पैनल से किया। इसके तवील करियर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत हाई प्रोफाइल इवेंट्स जैसे कि 2022 और 2024 ACC वेमेंस T20 एशिया कप के साथ साथ हांगकांग में 2023 के ACC इमर्जिंग वेमेंस कप में एम्पायरिंग करना शामिल है। हाल ही में वो कुआलालंपुर में ACC वेमेंस प्रीमियर कप 2024 के एम्पायरिंग पैनल का हिस्सा थी। दो तरफा सीरीज में सलीमा की पहली ऑन फील्ड तैनाती मुल्तान में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका खवातीन T20 सीरीज के दौरान होगी, जबकि ये सीरीज फिर से शुरू होगी। उनके हमरा PCB एलीट पैनल ऑफ अंपायर नासिर हुसैन मैच में अंपायरिंग करेंगे, जबकि हुमैरा फरा थर्ड अंपायर और PCB इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मोहम्मद जावेद मलक मैच रेफरी के तौर पर फ्राइज अंजाम देंगे।